मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियाज यूएन जर्नी। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस और इंडिया की क्या क्या थ्रू आउट दी जर्नी रही है 75 ईयर्स पहले, जब यूनाइटेड नेशंस और इंडिया, मतलब इंडिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना था तब से। तो सबसे पहले इंडियाज मेंबरशिप एट यूएन ड्यूरिंग थ्री फेजेस, हमने इस चीज को तीन फेजेस में डिवाइड कर दिया है समझने के लिए। तो 7.5 डिकेड ऑलमोस्ट 75 ईयर्स पहले जब इंडिया और यूएन में कुछ तीन रफली फेजेस में हमने इनको डिवाइड किए, तो उनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट फेज क्या है कि कोल्ड वॉर तक का है, जब जहाँ पे फर्स्ट फेज अंटिल द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इन 1989 तक का है। तो तब तक इंडिया की क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे यूनाइटेड नेशंस में और किस तरीके की उनमें बात होती थी, हम पहले उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, मोर ट्रेडिंग फोर्स। इंडिया हैड लर्न द रोप्स टू एक्सप्लोरिंग। सबसे पहले इसमें क्या था कि इंडिया जो था वो कहीं ना कहीं अपना डिप्लोमेटिक बिहेवियर यूनाइटेड नेशंस में इन्फ्लुएंस कर रहा था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने साथ के लोग को इकट्ठा कर सके। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज वहां पे रखने की कोशिश कर रहा था और अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पे बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद अनरिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट, अब वहां पे क्या हुआ था, द इंडियन लीडरशिप लर्न द हार्ड वे दैट द यूनाइटेड नेशंस कुड नॉट बी रिलाइड अपॉन द इम्पार्शियली रिजॉल्व वैरायटी डिस्प्यूट सच एज जम्मू कश्मीर एंड रिलायंस ऑन द पाकिस्तान इंडियन वॉर। अब वहां पे क्या हुआ, जब बात बात पे ना कश्मीर का जो अनडिस्प्यूट जो था वो बार बार आता था वहां पे, तो उसको भी इंडिया ने लर्न करा कि उस चीज को कैसे टैकल किया जाता है, क्योंकि जब 1989 का टाइम था उससे पहले पाकिस्तान और चाइना से उसके वॉर हो चुके थे इंडिया के, तो उस टाइम तक सबसे बड़ी जो डिस्प्यूट उठ रहा था वो था कश्मीर का। तो उसने धीरे धीरे उन चीजों को टैकल करना सीखा, उन सिक्योरिटी कंसर्न्स पे किस तरीके से बात की जाता है वो सीखा। नेक्स्ट है मॉरल वैल्यूज बेस्ड ऑन फॉरेन पॉलिसी। अब आपको पता है या नहीं पता, बट हर कंट्री की कुछ ना कुछ फॉरेन पॉलिसीज होती हैं। तो इंडिया स्ट्रोव टू यूटिलाइज द यूनाइटेड नेशंस नॉट ओनली टू फोकस कॉमन कॉजेस लाइक एंटी कॉलोनिज्म, एंटी रेसिज्म, न्यूक्लियर डिसएसमेंट। अब क्या किया, अब इंडिया ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसीज थी उनको इम्प्लीमेंट, मतलब उनको एक फिजिकल या हम ये करें प्रैक्टिकल फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। उनके हमारे जो कॉमन कॉजेस, इंडिया क्या था वो हमेशा न्यूक्लियर वॉर्स पे बात करता था, जो एंटी रेसिज्म और कॉलोनिज्म और ये जो मतलब ये और एनवायरमेंट कंजर्वेशन जो कुछ भी चलता रहता था उन पर बात होती थी। इसके अलावा चैम्पियन न्यूक्लियर डिसएंडमेंट, इंडिया इन अ क्लेवर वे सीम टू क्लेम द मॉरल हाई ग्राउंड बाय प्रपोजिंग 1998 अ बोल्ड बट ऑब्वियसली प्रैक्टिकल थ्री फेज प्लान टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब क्या है, इंडिया का जो मेन रीजन था, आज भी इंडिया इन चीजों पर बहुत बोलता है, एक है न्यूक्लियर वेपन्स पे, एक है आतंकवाद टेररिज्म पे और एक एंटी कॉलोनिज्म पे। उस टाइम भी इंडिया ने किया, उस टाइम भी इंडिया ने बहुत क्लेवर वे में न्यूक्लियर वेपन्स पे बात की, बट उस टाइम क्या था, 1995 तक एक पैक्ट आने वाला था जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, बट इंडिया ने उसको कभी साइन नहीं किया। तो इसी कारण से इंडिया को आज भी हाइपोक्रेट माना जाता है यूनाइटेड नेशंस में। क्यों, क्योंकि इंडिया ही वो कंट्री था जिसने सबसे पहले न्यूक्लियर वॉर्स और वेपन्स पे बात करना शुरू किया बट कभी उस पैक्ट को साइन नहीं किया। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ 1962 वॉर। अब जो उसकी नेबरिंग कंट्री थी इंडिया की, यानी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज थी चाइना और पाकिस्तान, कहीं ना कहीं उनसे हमारा वॉर चलता रहता था, तो उस चीज का भी जो इम्पैक्ट था वो यहाँ पे पड़ा। अब अगर हम बात करें सेकेंड फेज की, तो सेकेंड फेज में क्या हुआ कि 1990s, ये क्या था, एक टर्बुलेंट, यानी कहीं ना कहीं इंडिया कभी इधर उधर भी खिसका तो, और कुछ ना कुछ ट्रांजिशंस भी हुए। सबसे पहले क्या हुआ कि उस टाइम कोल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था, तो जो यूनाइटेड नेशंस सोवियत यूनियन थी वो एग्जिस्टेंस से चली गई थी, और उसके बाद क्या आया था, रशिया एज अ वर्ल्ड पावर इमर्ज हुआ था। तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं रशिया के साथ अच्छी दोस्ती मानी जाती थी, तो वहां पे भी जब वहां पे रशिया और सोवियत यूनियन, यानी उस टाइम का प्रेजेंट सोवियत यूनियन गिरा, तो कहीं ना कहीं इंडिया की भी स्थिति नीचे गिरी। उसके बाद आते हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स हिंड्रेंस एक्टिव रोल इन यूनाइटेड नेशंस। अब क्या था, हमारा जो इंडिया था उसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन चल रही थी उस टाइम पे। वहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स थे जो उस चीज को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहे थे, जैसे कि उसी डिकेड में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर्स जो थे वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे थे। तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस में भी एक मतलब एक हिंड्रेंस आई कि हाँ, हमारा पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स थी वो स्टेबल नहीं थी। इसके अलावा बात करें प्रैग्मेंट फॉरेन पॉलिसी की, तो टू साइट अ फ्यू एग्जाम्पल, इंडिया शोज प्रैग्मेटिज्म इन एनेबल द टफर टर्म्स ऑन द इराक, Kuwait and the Reto and stand.
अब क्या हुआ था कि यहाँ पे सबसे पहले इंडिया जो था वो अपने जो प्रैक्टिकल अप्रोच में फॉरेन पॉलिसी था उसको यहाँ पे लाने लग गया। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब इंटरनेशनलाइजेशन हुआ, कश्मीर इशू हुआ, जैसे पाकिस्तान हर बात पे इंडिया को पॉइंट आउट करने लगा कश्मीर पे, और चाइना भी उसका साथ देने लग गया, और कहीं ना कहीं ईरान भी उसका साथ देने लग गया, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ह्यूमन राइट्स का इशू उठा लिया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को एक चेकमेट दे दिया। इसके अलावा इंडिया स्टूड अगेंस्ट मेजर पावर्स टू सेफ गार्ड दी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब कई बार क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हम बोले तो जैसे कि नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, ये भी एक न्यूक्लियर रिलेटेड ट्रीटी थी। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये भी न्यूक्लियर बेस्ड ट्रीटी थी कि जिसमें हम न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं कर सकते थे, बेसिकली उनको टोटली बैन। बट इंडिया ने इन दोनों ट्रीटीज पर साइन करने से मना कर दिया और आज तक साइन नहीं किए। तो इसी वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं एक हाइपोक्रेट के रूप में देखा जाने लगा। इमर्जेंस न्यूक्लियर पावर, अब इंडिया ने भी न्यूक्लियर पावर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, हालांकि आज तक इंडिया इस चीज पर बोलता है कि न्यूक्लियर पावर हमें नहीं करनी चाहिए। अब जो थर्ड फेज आया, वो थर्ड फेज आया 21st century, जिसमें इकोनॉमिक्स एनहेंस इंडियाज प्रोफाइल। अब जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक प्रोफाइल बढ़ने लगी तो यूनाइटेड नेशंस में भी उसको एक अच्छा दर्जा मिला जाने लगा। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स, अब इंडिया का क्या हुआ कि इंडिया का किसी भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज या किसी भी इशू पर बोलता था तो इंडिया को एक अच्छे रूप में देखा जाने लगा, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, इंडिया की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि उसके जो ह्यूमन राइट्स जो थे वो काफ़ी अच्छे माने जाने लगे। इंडिया की कई साइट्स को जो यूनाइटेड नेशंस की जो धरोहर वाली है उसमें भी लिस्टेड किया जाने लगा। इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंदर भी इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट रूप में देखा जाने लगा। इसके अलावा टू मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया स्टक, बट कहीं ना कहीं इंडिया कहीं ना कहीं स्टक भी हुआ, पीछे पीछे भी रहने लग गया। दी फर्स्ट रिलेटेड टू दी ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। अब जब इंडिया टेररिज्म पर बोलता था तो वहाँ पे उसको कोई सपोर्ट नहीं करता था, जस्ट बिकॉज जो मेजर पावर्स थी, जस्ट लाइक उस टाइम पाकिस्तान भी एक अच्छी इकोनॉमी माना जाता था और चाइना भी, वो कहीं ना कहीं मिले जुले थे। तो इस जब भी इंडिया किसी ऐसे अच्छे इशू पर बोलने की कोशिश करता था तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता था। तो हम कह सकते हैं ऑल इन ऑल 21st century में इंडिया को इकोनॉमिक और सोशल रूप में एक्सेप्ट किया जाने लगा यूनाइटेड नेशंस में एक अच्छे तरीके से। इसके अलावा चैलेंजेस भी थे कुछ इंडिया के पास, जो कि क्या थे कि इंडिया अब चाहता था कि वो एक परमानेंट मेंबर बन जाए, जो कि वो आज तक चाहता है, और इसलिए वो वहाँ पे फेवर्स मांगता था और कंट्रीज थे। तो इंडिया कोशिश करता रहा कि वो और कंट्रीज से अच्छे रिश्ते बनाए और वहाँ पे उसको वोट मिले एज अ परमानेंट मेंबर के रूप में। और इसके अलावा द मूव हैज बीन स्टक फॉर मोर देन 25 years बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी अमंग दी। अब इंडिया ने क्या कोशिश की, जब उसको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रही थी तो उसने कोशिश की कि उसने चार कंट्रीज को और लिया अपने साथ, बट कहीं ना कहीं जो चार कंट्रीज, ये आपको फोर कंट्रीज का ग्रुप शायद पता भी होगा, बट जब इंडिया को क्वाड मेंबरशिप के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं रीजनल फॉर्मेशन वगैरह एक साथ नहीं थे तो कहीं ना कहीं इंडिया लैक कर गया। यानी इंडिया को क्या क्या सपोर्ट नहीं मिला, इंडिया को दो रूप में सपोर्ट नहीं मिला, जो कि थे, अब इंडिया को दो चीजों में, सबसे पहले जब वो कुछ अच्छा बोलता था तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता था, सेकंड उसको एक परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती थी। तो इसी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस में आज भी पीछे है। अब वे अहेड इंडिया में क्या, अब आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है, अब ऑब्वियसली नॉन परमानेंट मेंबर तो इंडिया का टर्म स्टार्ट हो जाएगा January 1, 2021 से, बट इसके अलावा इंडिया फोकस कर रहा है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, बट उसको नहीं मिलती जस्ट बिकॉज जो चाइना है वो अपनी वीटो पावर का यूज कर देता है और हमेशा इंडिया को आउट कर देता है यूनाइटेड नेशंस से। तो हम कह सकते हैं कि अब जो है, अगर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर भी इंडिया के पास कई वेज है जिससे कि वो एक बेटर फ्यूचर के लिए प्लान कर सकता है यूनाइटेड नेशंस में, बट वीटो पावर का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये थोड़ी वीडियो हेल्पफुल रही होगी कि पहले क्या जर्नी थी, फिर बीच में कैसे इंडिया को एक रिकॉग्निशन मिलने लग गया, और अब इंडिया किस चीज पे लड़ रहा है, जो कि है परमानेंट मेंबरशिप। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम वीटो पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।